नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साके कंप्यूटर में। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो का है तो काफ़ी इजी, बड़े बिगनर के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक्स हैं, नंबर एक, माउस की सेटिंग कैसे करते हैं, यानी कि माउस की अगर आपको क्लिक चेंज करनी है, लेफ़्ट की जगह राइट करना है या राइट की जगह लेफ़्ट क्लिक करना है, या फिर आपको माउस की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, या आपको माउस पॉइंटर बदलना है, तो वो कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं आगे। नंबर दो, कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। नंबर तीन, डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को कैसे रिस्टोर करते हैं। नंबर चार, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। नंबर पाँच, फोल्डर कैसे बनाते हैं। नंबर छः, किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे कट, कॉपी या पेस्ट करते हैं। नंबर सात, डेस्कटॉप पर वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं। नंबर आठ, स्क्रीन सेवर कैसे लगाते हैं। नंबर नौ, डेट एंड टाइम कैसे सेट करते हैं। और नंबर दस, कंप्यूटर स्क्रीन को कैसे रोटेट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है माउस की सेटिंग कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल खोलना है। कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पर मिलेगा हार्डवेयर एंड साउंड, और हार्डवेयर एंड साउंड में यहाँ पर मिलेगा आपको माउस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको माउस प्रॉपर्टीज़ का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसमें आपको बटन पर जाना है। सबसे पहला ऑप्शन है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, यानी कि जब आप इस पर टिक लगा देते हैं तो आपके क्लिक चेंज हो जाती है, यानी जो लेफ़्ट क्लिक है वो राइट क्लिक में बदल जाती है, और जो राइट क्लिक है वो लेफ़्ट क्लिक में बदल जाती है। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो अब आपको इसको हटाने के लिए आपको राइट क्लिक दबाना होगा, क्योंकि आपकी क्लिक चेंज हो चुकी है, तो आपकी क्लिक वापस जैसे होंगे वैसे हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है डबल क्लिक स्पीड, यानी कि डबल क्लिक स्पीड को अगर आपने जैसे स्लो कर रखा है तो क्या होगा, जब आप किसी पर स्लोली क्लिक करते हैं जैसे कि एक दो, तो भी वो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा। बट अगर आपने इसको फास्ट कर रखा है तो अगर आप इस पर स्लोली क्लिक अगर आप करेंगे तो ये फाइल नहीं खुलेगी, एक दो नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने इसकी डबल क्लिक स्पीड को फास्ट कर दिया। तो डबल क्लिक स्पीड को आप नॉर्मल रखना चाहें जैसा आप वैसे रख सकते हो, आप स्लो रखना चाहें तो स्लो रख सकते हो। तीसरा ऑप्शन है इसमें क्लिक लॉक। क्लिक लॉक क्या होता है, टर्न ऑन क्लिक लॉक पे आप जब आप टिक लगा देते हो तो होता क्या है कि जब आप किसी भी विंडो को, जैसे आपने ये है, इसको अगर आप इसको मूव करते हो थोड़ी देर अगर दबाए रखते हो आप लेफ़्ट क्लिक को, फिर जब आप क्लिक छोड़ देते हो तो भी ये मूव होता रहता है इस तरीके से। अब आपको जहाँ इसको छोड़ना हो आप वहाँ पे दोबारा क्लिक कर दीजिए तो रुक जाएगा। ये होता है टर्न ऑन क्लिक लॉक। देखिए पॉइंटर्स, पॉइंटर्स में क्या होता है, हमारा जो पॉइंटर आप देख रहे हैं वाइट कलर में बन के आ रहा है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे जो हैं पॉइंटर यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को। आप जिसमें से इसमें से जो भी आप लगाना चाहें वो आप चूज़ करिए। जैसे आपको ये ब्लैक एरो लगाना है तो आप इस पर क्लिक करिए, ओपन करिए, ओपन करने बाद इसको अप्लाई करिए, तो देखिए आपका पॉइंटर ब्लैक पॉइंटर में बदल जाता है। इस तरीके से आपने यहाँ पे पॉइंटर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप वापस पहला वाला पॉइंटर लगाना चाहते हो तो आपने यूज़ डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करिए, अप्लाई करिए और ओके कर दीजिए, तो आपका जो पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट जैसा होगा पहले वैसा की वैसा हो जाएगा। पॉइंटर ऑप्शंस, सेलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड, आप इस पर क्लिक करके आप अपने माउस पॉइंटर को आप फास्ट भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा चलाएंगे तो काफ़ी दूर तक जाएगा ये। अगर आप इसको स्लो कर देते हो तो फिर काफ़ी चला आप माउस चलाएंगे तो भी थोड़ा सा मूव होगा। तो ये होता है पॉइंटर स्पीड, आप कैसे स्पीड रखना चाहते हैं नॉर्मल अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, इस पर जब आप टिक लगा देते हैं तो आपको पॉइंटर देखिए इस तरीके से दिखाई देगा, अगर आप इससे टिक हटा देते हैं तो फिर ये नहीं दिखेगा। सो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की, यानी कि अभी क्या है कि अगर आप इस पर टिक लगा देते हो तो होगा क्या कि जब आपका पॉइंटर कहीं भी हो, जब आप कंट्रोल बटन दबाएंगे इस तरीके से ये लोकेशन बताएगा कि आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पर है। देखिए ये तो ये इसका ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, आप इसको लगाना चाहें तो लगाइए, वरना मत लगाइए। ओके, तो ये थी हमारी माउस की सेटिंग्स को चेंज करना। नंबर दूसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। तो देखिए कंट्रोल पैनल पर जाते हैं, कंट्रोल पैनल में आपको क्लिक करना होगा यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, इसमें आपको मिलेगा ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट, इस पर क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये लोकल अकाउंट, जिसके नीचे या फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा,
अब यहाँ पे आप देखिए इसके नीचे कहीं भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड कहीं भी नहीं लिखा रहा है, क्योंकि अभी इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है कंप्यूटर पे। तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट अ पासवर्ड। क्रिएट अ पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड टाइप करना होगा, तो आप जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहें वो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करिए। एक मिनट, और नीचे आते हैं कन्फर्म न्यू पासवर्ड में। आपको क्या करना है, आपको अपना वही पासवर्ड फिर से टाइप करना है जो आपने न्यू पासवर्ड में टाइप किया है। और टाइप अ पासवर्ड हिंट में आप अपने पासवर्ड से रिलेटेड कोई हिंट अगर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, वरना आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे लिखा गया पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी अब हमारा कंप्यूटर जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है, पासवर्ड लग चुका है। तो अब जब भी हमारा कंप्यूटर ओपन होगा तो पासवर्ड डाल करके ही ओपन होगा। अगर आप इस पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो उसी जगह पर जाके आप इसको हटा सकते हो। कंट्रोल पैनल में जाइए, ऐड यूजर अकाउंट्स, ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट, और इसी अकाउंट पर देखिए आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इस पर क्लिक करिए। और इसमें देखिए कहीं भी रिमूव द पासवर्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपने करना क्या है, चेंज द पासवर्ड पर जाना है। करेंट पासवर्ड में जो पासवर्ड हमने डाला था इसमें वो पासवर्ड आपको टाइप करना है, और न्यू पासवर्ड आपको कोई भी टाइप नहीं करना है, बस आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका जो पासवर्ड लगा होगा वो हट जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर पासवर्ड सेट कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि किसी डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को कैसे रिस्टोर करते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए माय फाइल्स का ये फोल्डर है, इसमें हमने कोई फाइल डिलीट की, जैसे हमारी ये फाइल है रूल्स के नाम से, और इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड से भी आप डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो आप। तो देखिए क्या होता है कि जो डिलीट की गई फाइल होती है वो हमारी रिसाइकल बिन में जाती हैं। तो आप रिसाइकल बिन को ओपन करिए और रिसाइकल बिन में आपको वो फाइल मिलेगी। तो आपने करना क्या होगा, राइट क्लिक करके इसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने पर क्या होगा, जहाँ से ये फाइल हमने डिलीट की थी ये फाइल वापस वहीं पर चली जाएगी। माई फाइल्स में जाके आप देखेंगे तो देखिए ये रूल्स वाली फाइल यहाँ पर आपको मिल जाती है। बट अगर आप जैसे आपने इसको डिलीट किया और रिसाइकल बिन में जाके अगर आप उसको उसी जगह पर रिस्टोर नहीं करना चाहते हो, दूसरी जगह लगाना चाहते हो, तो राइट क्लिक करके आप इसको कट कर सकते हो। कट करके फिर आप जहाँ पेस्ट करना चाहेंगे ये फाइल वहाँ पर आ जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से भी हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके जब आप इसको रिसाइकल बिन में से डिलीट करोगे तो यहाँ पर ये पूछेगा आई यू श्योर दैट यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। अगर आपने यस कर दिया तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, फिर ये वापस नहीं आएगी। तो इस तरीके से डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को हम रिस्टोर कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, तो देखिए जैसे कि शॉर्टकट से क्या होता है कि अगर जैसे स्टार्ट मेन्यू पर हमने क्लिक किया और हमें कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो हमें स्टार्ट मेन्यू में जाके और फिर यहाँ से हम उसको ओपन करते हैं, जस्ट लाइक टाइपिंग मास्टर है, इस पर क्लिक करते हैं तब टाइपिंग मास्टर खुलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टाइपिंग मास्टर है उसका आइकन हम यहीं पर सेट कर लें, जिससे हमें उसको वापस अंदर जा कर के ना खोलना पड़े। तो वो कैसे सेट करते हैं, या फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, या फोटोशॉप है, किसी भी प्रोग्राम का आइकन जिस प्रोग्राम की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि उसका शॉर्टकट हमें यहीं पर मिल जाए, डेस्कटॉप पर अंदर नहीं जाना पड़े। तो इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए तो स्टार्ट पे जाते हैं। तो आपने जिस प्रोग्राम का भी आइकन लगाना है, डेस्कटॉप लगाना है, सॉरी शॉर्टकट लगाना है, तो आपने उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर आपको मिलेगा ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन में जाइए और यहाँ पर आपको ये टाइपिंग मास्टर, इसको राइट क्लिक करिए, सेंड टू, और सेंड टू में जाके यहाँ पर कर दीजिए डेस्कटॉप शॉर्ट क्रिएट शॉर्टकट। तो देखिए उसका आइकन यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये दिख नहीं रहा अच्छे से, किसी भी दूसरे प्रोग्राम का आइकन मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमें लगाना है फोटोशॉप का, तो फोटोशॉप पे राइट क्लिक किया, ओपन फाइल लोकेशन पे गए, तो यहाँ पर आपको देखें यह है फोटोशॉप। या फिर फोटोशॉप के अलावा और भी हैं, जैसे एक्सेल है, वर्ड है, इनके किसी का भी आइकन आपको लगाना है तो इस पर राइट क्लिक करिए। वर्ड का लगाना है तो सेंड और डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिए। एक्सेल का लगाना है तो एक्सेल पर राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप, और देखते हैं इसको मिनिमाइज करके। तो देखिए वर्ड, एक्सेल, इनके आइकन यहीं पे हमें मिल जाते हैं, यानी शॉर्टकट हमने लगा दिया। तो इससे क्या होगा, अब हमें स्टार्ट मेन्यू में नहीं आना पड़ेगा, अब हम इनमें से कोई प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो हम यहीं से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप पे किसी भी सॉफ्टवेयर का आइकन लगा सकते हैं। अब देखिए फोल्डर कैसे बनाते हैं। फोल्डर
कहीं भी जहाँ भी आपको फोल्डर बनाना होता है, जैसे आपको डेस्कटॉप पे बनाना है या फिर किसी ड्राइव में बनाना है, तो आप वहाँ पर जाइए। मान लेते हैं अगर आपको इस ड्राइव में बनाना है तो इस ड्राइव पे आ गए, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको बस खाली जगह जो होगी वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने पर ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू, और न्यू में जाके आपको मिलेगा फोल्डर, आप उस पर क्लिक करिए, आपके पास एक नया फोल्डर आ जाएगा, और उसको आप जो भी नेम देना चाहते हो वो नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, म्यूजिक, या फिर नेम गलत हो गया है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम करके उस नाम को हटा करके आप दोबारा उसको सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप पे या कहीं भी जहाँ भी आप बनाना चाहें वहाँ पे फोल्डर बना सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन दबा करके भी आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हो। तो ये था हमारा फोल्डर बनाना। अगला टॉपिक है हमारा कि किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे कट, कॉपी या पेस्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क ई में हमने ये फोल्डर बनाया था, इसको रीनेम कर देता हूँ। F2 दबा करके भी आप अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हो। तो जैसे हमने इसको कोई नेम दे दिया, जस्ट लाइक फाइल्स हमने नाम दिया है, तो हम ये चाहते हैं जैसे इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स हैं, तो वो हमें यहाँ से, हम चाहते हैं कि उस फोल्डर के अंदर पहुँच जाएँ यहाँ से हट करके। तो आपने क्या करना होगा, जैसे ये बॉल पे ये है साकेत कंप्यूटर के नाम से PPT फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, तो इसको राइट क्लिक करते हैं। अगर आपने किया इसको कट, कट करने के बाद आपने कंप्यूटर में गए या उस फोल्डर पे जाते हैं और उस फोल्डर में जाके आपने कर दिया इसको पेस्ट, तो वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी और उस फोल्डर में से हट जाएगी। देखिए माई फाइल्स में जाके देखते हैं तो यहाँ से वो फाइल हट गई क्योंकि हमने उसको कट किया था। अगर आप कॉपी करते हैं, जैसे ये फिल्टर एंड वी लुकअप की फाइल है, अगर आप इसको करते हो कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप उसको कहीं भी दूसरी जगह पर किसी भी फोल्डर में करना चाहो, तो इस फोल्डर में आके आपने क्या करना होगा, पेस्ट करी, चाहे आप कट करें तो भी पेस्ट करना है, कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट करना है। देखिए ये फाइल यहाँ पर भी आ गई और आप देखेंगे तो इस फोल्डर के अंदर भी ये फाइल रहेगी। तो ये होता है, इस तरीके से आप अपनी किसी भी फाइल या पूरे फोल्डर को भी कट या कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेस्कटॉप पर वॉलपेपर कैसे लगाते हैं। जैसे आप ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है, इस तरह का वॉलपेपर हम किस तरीके से लगाएंगे। तो जहाँ आपके कंप्यूटर में वॉलपेपर्स हैं वहाँ पर जाइए, जिस फोल्डर में आपने वॉलपेपर डाल रखे हैं, जैसे हमारा माई फाइल्स में ये है फोल्डर है महात्मा बुद्ध के नाम से, यहाँ पर कुछ वॉलपेपर्स पड़े हुए हैं, तो इनमें से कोई वॉलपेपर हम लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ये वॉलपेपर लगाना है, तो इस पर आपको राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करके आपको मिलेगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करिए, फिर देखिए मिनिमाइज क्लोज करते हैं तो वो वॉलपेपर यहाँ पर सेट हो जाएगा। बट आप देख रहे हैं कि इस फोटो, ये जो वॉलपेपर सेट हुआ है, इसको अगर आप दूसरे तरीके से मतलब अपनी स्क्रीन पे इसको सेट करना चाहते हो, तो राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे जाइए। पर्सनलाइज में आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पिक्चर पोजीशन फिट लगा हुआ है। जैसे अगर आपने फिल करके लगाया तो फिल में ये जो फोटो आपने लगाया होगा, जो भी वॉलपेपर लगाया होगा, वो काफ़ी बड़े साइज में आएगा। अगर आप इसको फिट करते हैं तो फिट करने पर ये लंबाई में इस तरीके से फिट हो जाएगा। अगर आप करते हैं स्ट्रेच, तो हमारे पूरी स्क्रीन पे स्ट्रेच होकर के लग जाएगा, लंबाई चौड़ाई फिक्स हो जाएगी उस पर। टाइल करके लगाते हो तो इस तरीके से टुकड़ों मतलब काफ़ी सारे टाइल्स के तरीके से लग जाएगा। अगर आप करते हो सेंटर, तो जो एक्चुअल साइज जो उसका होगा उसी साइज में सेंटर में लग जाता है। तो इस और यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक कर दें, तो उस तरीके से आप अपने वॉलपेपर की जो पिक्चर पोजिशन होती है उसको भी आप बदल सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि कुछ टाइम बाद हमारे कुछ वॉलपेपर्स हैं वो चेंज होते रहें, तो राइट क्लिक करके वहीं पर जाएंगे पर्सनलाइज और डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आइए। तो यहाँ पर देखिए जिस फोल्डर में से हमने वो वॉलपेपर लगाया होता है उस फोल्डर के सारे वॉलपेपर यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप कौन कौन से वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो आप उन पर टिक लगा दीजिए। जैसे हम जो जो वॉलपेपर लाना चाहते हैं उन पर टिक लगा देंगे हम इस तरीके से, और टिक लगाने पर हम कर देंगे सेव चेंज। तो हमारे कुछ टाइम बाद, अब कितने टाइम बाद चेंज हो गए तो वो ऑप्शन भी हमें यहीं पर मिलता है। जैसे ये लगा चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट लगा हुआ है, तो इसको मिनिमम आप 10 सेकंड्स लगा सकते हो, 10 सेकंड तक आप लगा सकते हो। 10 सेकंड हमने लगा दिया, सेव चेंज कर दिया। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं, इसकी पिक्चर पोजीशन और बदल देते हैं, काफ़ी बड़े साइज में आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं फिट, सेव चेंज। देखिए 10 मिनट के बाद ये जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो 10 मिनट का वेट करते हैं, सॉरी 10 सेकंड का। देखिए इस तरीके से वॉलपेपर आपके ऑटोमेटिक, जितने वॉलपेपर आपने टिक लगाए होंगे उतने वॉलपेपर 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक ही लगाना चाहते हो या बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो में आता है वॉलपेपर उसको लगाना चाहते हो, तो आप उसी
पर्सनलाइज पे आइए राइट क्लिक करके, और यहाँ पर आपको मिलेगी विंडोज़ डिफ़ॉल्ट थीम। तो विंडोज़ पे आप क्लिक करें, ये वाली डिफ़ॉल्ट थीम होती है विंडोज 8 में ऑलरेडी आती है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या आप किसी भी एक वॉलपेपर को लगाना चाहते हैं तो आप उसको राइट क्लिक करिए, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करिए, तो वो वॉलपेपर आप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्क्रीन सेवर कैसे लगाते हैं। स्क्रीन सेवर क्या होता है, देखिए राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में यहाँ पर स्क्रीन सेवर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे नन लगा हुआ है, यानी अभी कोई भी स्क्रीन सेवर नहीं लगा हुआ है, तो स्क्रीन सेवर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं हम। जैसे 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट किस तरीके से आएगा, यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करिए, माउस को मूव नहीं करना, अगर आपने माउस मूव किया तो ये हट जाएगा। तो ये दिखा रहा है विंडोज 8 इस तरीके से लिखा है, माउस मूव करते हैं आप कीबोर्ड में कोई बटन दबा देते तो हट जाता है। अच्छा, अब इसकी जगह पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं, अपना नेम लिखना चाहते हैं या कुछ और, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट विंडोज 8 लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए और आप इसकी जगह जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखिए, ओके करिए और प्रीव्यू पर क्लिक करिए। तो देखिए वो नेम आपका इस तरीके से दिखाएगा। अच्छा, इसकी जो रोटेशन स्टाइल है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग्स में आपको सारे ऑप्शन वो मिल जाते हैं कि ये तो हमने जो टेक्स्ट है वो लिख दिए। आप टाइम लिखना चाहते हो तो टाइम भी लगा सकते हो आप। चूज़ फॉन्ट, फॉन्ट पे आकर के आप किस फॉन्ट में लिखना चाहते हो वो भी आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन उसका बढ़ा सकते हो, साइज़ छोटा बड़ा अच्छा होगा, साइज़ कैसा रखना है, रोटेशन स्पीड कितनी रखनी है, फास्ट रखनी है, स्लो रखनी है, ओके करिए और प्रीव्यू पे क्लिक करिए, साथ ही साथ आपको दिखाई देगा। और सेटिंग्स पे आते हैं, नीचे यहाँ पे आपको रोटेशन टाइप मिलेगा, स्पिन है। अब जैसे हमने लगाया सीसॉ, ओके करते हैं, तो सीसॉ में देखिए अलग टाइप से रोटेट कर रही इस तरीके से। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपको मिल जाते हैं। तो सेटिंग्स में आके आप काफ़ी चेंज कर सकते हो। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो इसका, तो सरफेस स्टाइल में रिफ्लेक्शन लगा हुआ है। अगर आप टेक्सचर या सॉलिड कलर पर आप टिक लगाते हैं कस्टम कलर, और चूज कलर पर जा करके आप कलर चूज करिए। जैसे हमने रेड कलर चूज किया यहाँ पर, ओके ओके प्रीव्यू, तो देखिए रेड कलर में आएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से नेम लिख सकते हो। ये था हमारा 3D टेक्स्ट। ब्लैंक में क्या हुआ, ब्लैंक प्रीव्यू करके देखिए एकदम ब्लैक स्क्रीन आएगी, यानी इसमें कुछ आएगा नहीं, तो इस तरह की स्क्रीन हो जाएगी ब्लैंक पे। अगर आप लगाते हैं बबल्स, तो बबल्स पे क्या हुआ, आपकी स्क्रीन पे जो कुछ भी है वो भी दिखाई देता रहेगा, रुक जाएगी स्क्रीन। प्रीव्यू पे क्लिक करके देखिए तो इस तरीके से बबल्स निकल के आएंगे और ये स्क्रीन पे इधर उधर चलते रहेंगे। तो ये सब स्क्रीन सेवर होते हैं हमारे। अब जैसे आप माउस मूव करते हैं तो स्क्रीन सेवर हट जाता है। जो भी स्क्रीन सेवर आप लगाना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट करिए यहाँ से, और उसकी सेटिंग्स में आके उसको सेट कर लीजिए। आप अगर रिफ्लेक्शन में दिखाना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन में, और यहाँ पे टाइम, कितने टाइम में आप स्क्रीन सेवर लाना चाहते हो, तो एक मिनट या मिनिमम एक मिनट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या आप ज़्यादा टाइम का लगाना चाहो 5 मिनट बाद ओके कर दीजिए। तो जब 5 मिनट तक आप माउस मूव नहीं करेंगे या कीबोर्ड का कोई बटन नहीं दबाएंगे, तो 5 मिनट के बाद ये हमारे स्क्रीन पर इस तरह का स्क्रीन सेवर आ जाएगा। तो जैसे हमने 1 मिनट लगा दिया, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, तो इस तरीके से आप अपना स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हो। अगर आप स्क्रीन सेवर हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे जाइए, और स्क्रीन सेवर यहाँ पे दिखा रहा है 3D टेक्स्ट लगा हुआ है, स्क्रीन सेवर पे जा करके और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा नन, नन लगा के ओके कर देंगे तो जो भी स्क्रीन सेवर आपने लगाया होगा वो स्क्रीन सेवर हट जाएगा, मीन्स बंद हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा डेट एंड टाइम कैसे सेट करते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में नीचे डेट एंड टाइम दिखाई देता है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आएगा चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स, इस पर क्लिक करिए और चेंज डेट एंड टाइम पे जाइए। तो आपको टाइम जो भी सेट करना आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि ये हावर है, तो आप इस पर क्लिक करके आप हावर कितना करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे मिनट, तो आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हो। तो यहाँ से तो आप टाइम सेट कर लोगे, डेट अगर आपको सेट करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करिए तो मंथ निकल के आएंगे, फिर से आप क्लिक करोगे तो ईयर्स निकल के आएंगे, फिर से आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से निकल के आएंगे। तो आप कौन सी ईयर लगाना चाहते हो तो वहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है, वहाँ से आप ईयर चूज करिए, फिर ईयर के बाद आप मंथ चूज करिए, मंथ के बाद डेट चूज करिए और ओके कर दीजिए, तो वही डेट सेट हो जाएगी। इस तरीके से आप कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रोटेट करते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि गेम वगैरह खेलते हैं हम, तो गेम खेलने पर क्या होता है हमारी, हम जल्दी जल्दी कोई बटन दबाते हैं तो स्क्रीन उल्टी हो जाती है या तिरछी हो जाती है। तो देखिए वो कैसे हो जाती है कि कंट्रोल ऑल्ट के साथ में अगर आप एरो की दबाते हैं, जैसे आपने राइट एरो दबाया तो आपकी जो स्क्रीन है वो राइट साइड में इस तरीके से रोटेट हो जाएगी।
तो माउस भी उसी तरीके से चलेगा। कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप डाउन एरो दबाएंगे तो नीचे की तरफ उल्टी हो जाएगी। कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट एरो दबाइए तो लेफ्ट साइड में। और आपको स्क्रीन उल्टी हो गई है तो कुछ भी हो गया, अगर आपको सीधी करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ अप एरो दबाना है, आपकी स्क्रीन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।